नमस्कार, आज हम बात करेंगे बायबैक के बारे में। ये वर्ड आपने आजकल बहुत सुना होगा। रिसेंटली TCS, NTPC और विप्रो जैसी कंपनीज के बायबैक आके गए, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि बायबैक सही है या गलत, और क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीदती है तो उसको शेयर बायबैक बोलते हैं। इसको आप IPO का उल्टा भी समझ सकते हैं। IPO में आपको शेयर अलॉट होते हैं और बायबैक में शेयर आपसे वापस लिए जाते हैं। ज्यादातर कंपनी अपना बायबैक उसकी करंट प्राइस से ऊपर की प्राइस पर ही लाती है। बायबैक लाने से मार्केट में जो भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर हैं वो कम हो जाते हैं। कंपनी जितने भी शेयर का बायबैक करती है वो शेयर टोटल शेयर में से कम हो जाते हैं। जब भी कंपनी के पास सरप्लस पैसा होता है और कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना दिखे या कंपनी को उसके शेयर का प्राइस अंडर वैल्यूड लगे तो कंपनी बायबैक लाती है। अगर इसका शेयर पे असर देखे तो इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम होने से इसकी EPS यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है और इसका PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो जाते ही, पर इससे कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस में कोई बदलाव नहीं आता। बायबैक को लाने के लिए सबसे पहले बोर्ड उसे मंजूरी देता है और उसके बाद उसकी रिकॉर्ड डेट जाहिर की जाती है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है कि अगर रिकॉर्ड डेट के दिन जिसकी डिमेट में उसका शेयर है वो बायबैक में भाग ले सकता है। बायबैक में भाग लेना कंपलसरी नहीं होता। चलिए हम TCS के बायबैक के एग्जांपल से सब चीज समझते हैं, जिससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 3,000 रुपए पर शेयर पे अपना बायबैक लाया था, जिसके अंदर 5,33,33,333 शेयर के बायबैक करना का प्लान था। यानी TCS के टोटल नंबर ऑफ शेयर में से 5.3 करोड़ शेयर कम हो जाएंगे इसके अंदर। टोटल खर्चा 3,000 × 5.3 करोड़ शेयर यानी 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक कंपनी ने लाया था, जबकि उसकी प्राइस बायबैक का ऐलान करने से पहले 2,737 रुपए थी। यानी अप्रोक्स 10% प्रीमियम पर कंपनी ने अपना बायबैक लाया था। बायबैक में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। कई बार प्रमोटर भी बायबैक में हिस्सा लेते हैं, पर प्रमोटर का बायबैक में हिस्सा लेना वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसे कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी के प्रमोटर को उसी कंपनी पे भरोसा नहीं है। अगर बात करें कि इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपको लगता हो कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगी और आप इसमें लंबे समय तक निवेश रहना चाहते हैं, तो आप बायबैक में ना भाग लें, वो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपको लगे कि अब कंपनी में ज़्यादा दम नहीं है और ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही, तो आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। बायबैक में अगर आपके पास 2,00,000 से कम वैल्यू के शेयर हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में आएंगे, और अगर आपके पास 2,00,000 से ज़्यादा के वैल्यू के शेयर होंगे तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी में आएंगे। आपको बायबैक में हिस्सा लेने के लिए आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं, या आपको ईमेल में एक कागज आएंगे, वो भर के आप अपने ब्रोकर को दे सकते हैं। आगे भी कई कंपनी बायबैक लाएगी। आपको मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम रोज़ सारी अपडेट डालते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और हमारी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।